जल्दी अपनी अपनी जगहों पर जाओ, जल्दी करो अहम को। आ जाओ उस्मान, आ जाओ। उस्मान बमसी साहब के इंतकाम के लिए तड़प रहा है, वो जरूर हमारा पीछा करेंगे। जब वो यहाँ आए तो उन सबकी लाशों के ढेर लगा देना, ऐसी मौत देना कि वो तुमसे मौत की भीख मांगे। फिक्र न करो तो गाय, उस्मान जैसे गोंगपुरु का सबसे कमजोर नुकता उसका गुस्सा है चामुआ। मैंने उसके लिए इस तरह का चाल बिछाया है कि गुस्से से भरी उसकी काली आंखें मौत के साथ बंद हो जाएंगी। तुम सब जल्दी करो, ये खून बहाने का वक्त है। जरकुता है, वो यहां से गुजरे हैं, अपने घर की तरफ गए हैं। हुजूर बमसिसा, ये देखकर अक्सर कहा करते थे, खंजीर जाल की तरफ बढ़ता है खुद ही, इनके खून से अपना नाम लिखने के लिए तैयार हो जाओ। चलो आ जाओ। घोड़ों को यहीं छोड़ दो। वो कहां गए हुजूर? मुझे लगता है कि वो जान गए। मैं यहां हूं उस्मान। आखिर तुम आ गए उस्मान, देखते हैं अब तुम वापस कैसे जाओगे। Thank you.
से। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया आसमान। तुम्हारे इंतकाम की ख्वाहिश ने तुम्हें जाल में फंसा दिया आसमान, वरना तुम हमारे इस जाल में कभी ना फंसते। हट जाओ आगे से। काम की आग ने शेर बना दिया है मुझे, और अब खुद चलकर तुम मेरे पंजों में आ गिरे हो। मारो उसे, मार दो, तुम बचोगे नहीं उस्मान। Oh!
अगर वो चामुआ यहां से भाग गया है तो तोगाय यकीनन यहां नहीं हो सकता। हम लोग कभी ले जाएंगे। हम बामसे साहब की आखिरी रसूमात अदा करें और उसके बाद इन काफिरों से निपटेंगे। आ जाओ। बामसी, वो पागल बामसी वाकई मर गया क्या? मर गया, तड़प तड़प के मरा है वो बामसी। अब्दुल रहमान गाजी, सावती साहब और आखिर में बामसी। बामसी की मौत के साथ ही अर्तुल गाजी का दौर खत्म। उस्मान पूरी तरह टूट के रह गया है। उस्मान उसका इंतकाम जरूर लेगा, तुम जानते होगे ये बात। हम भी तो ऐसा ही चाहते थे ना। वो मुझ पर अपने गुस्से की वजह से क्या तुझसे बगावत करेगा। उमर साहब और दूसरे कबीले उसके पीछे आएंगे, देखना। और के हाथों से बगावत का मतलब सब जानते हैं। तुम के हाथों की बैत करके अपने सारे सिपाहियों को जमा करो। याद रहे, हम मिलकर उस्मान पर आखिरी हमला करेंगे। क्या इस बारे में तुम बहुत ही फिक्रमंद हो निकोला? तुम ही वो आदमी थे जिसने यासून के आदमियों को फंसाया और मार डाला। तो कहा तुम्हारे लिए तेगफूरों से सिपाही हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सोचता हूं इस बारे में। अगर तुम्हें ज्ञातों का दोस्त बनना है तो सोचो मत, बस लड़ो, सिपाही तलाश करो, लश्कर बनाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हम दोस्त नहीं दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हारे पास कल गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है। मेरी एक बात मानना, मुझे देश में मत आने देना। लश्कर तो दूर, मैं इसे एक सिपाही भी नहीं दूंगा। वालियर गुच्चू के लिए क्या ख्याल है? मैं तेगफूरों से बात करूंगा कि वो क्या सोचते हैं। हम दोनों जानते हैं कि वो नहीं मानेंगे निकोला। यकीनन हेलेन, तेगफूरों के इनकार कर देने से बेहतर कोई उज़र हो ही नहीं सकता। इस जाल से कैसे बच गया? तो गाय हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुंह बंद रखो अपना, नीला भेड़िया। मैं निकोला के दिए गए सिपाहियों से तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। निकोला को पता चल सकता है कि हमने यार गुचू के खिलाफ बगावत की है। उसके मालूम होने से पहले मैं उसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर चुका हूँ। وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. जब किसी गाजी की मौत होती है, जब कोई बहादुर शहीद हो जाता है, तो उसे उसकी लड़ाइयों से याद रखना चाहिए और हमें उसका मातम नहीं करना चाहिए। बंसी साहब को मैं जानता हूं, वो एक बहादुर आदमी थे जिनका दिल अपने दीन और अपने मकसद के हुसूल के लिए धड़कता था। मेरा अल्लाह उनसे राजी हो। आमीन आमीन। जब मैं छोटा था, मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। जब भी वो किसी जंग में जाते थे तो मुझे बहुत हैरत होती थी कि बंसी साहब हमेशा उनके साथ क्यों होते हैं। उनकी मौजूदगी में हमेशा महफूज महसूस करता था मैं। फिर मैं सबसे कहता था कि दो तलवारों से लड़ने वाले बंसी साहब मेरे बाबा के साथ गए। उस वक्त मैं बच्चा था। फिर हम बड़े हुए, क्योंकि हम एक सरदार के बेटे थे तो वो हमारी बहुत इज्जत करते और हमें सरदारी के उसूल सिखाते थे। अल्लाह उनसे राजी हो। आमीन आमीन आमीन। इस दुनिया में एक ही चीज है जिस पर फखर है, और वो है बंसी साहब से मेरी दोस्ती। वो शेर की तरह रूपदार थे, लेकिन उनका दिल परिंदों की तरह नरम था। मैं गवाह हूं कि वो अक्सर आंसुओं से भरी अपनी आंखें बंद कर लेते थे। वो काइयों की परेशानी में परेशान और उनकी खुशी में खुश होते थे। उनकी कोई ख्वाहिशात नहीं थी, लेकिन असल में बेटे के जाने के बाद वो बहुत दर्द में थे। इनकी शोहरत हम तक पहुंची थी। अर्तुरुल गाजी की जंगों के बारे में जब भी सुना तो बामसी साहब का जिक्र सरे फहरिस्त रहा। जिस तरह वो लड़ा करते थे दो तलवारों से, वो काबिले जिक्र है। दूर तक उनके किस्से मशहूर थे। जब हम आए तो हमने देखा, और जब उनसे मिले तो उनको हमने बयान से बढ़कर पाया। उनको जन्नत में आला मकाम मिले। आमीन आमीन आमीन। अर्तुरुल गाजी, साहूची साहब, अब्दुर्रहमान गाजी, ओ रब, ये बंसी साहब ना काबिले यकीन है कि वो हमें छोड़ गए। और अब अगर हम उनकी तरह
बहादुर जवानों को परवाह नहीं चढ़ाते तो उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। खड़े होना होगा फिर से, उनके जिहाद के जज्बे को हमेशा जिंदा रखेंगे और उनकी तरह काबिल बनने के लिए आखिरी वक्त तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उस्मान साहब। अब हमें आपको ज्यादा देर मसरूफ नहीं रखना चाहिए। बिस्मिल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मोहतरम शेख, ऐसा मत कहिए। मोहतरम शेख, उस्मान साहब मैं भी इजाजत चाहता हूं। उमर साहब आप यहीं रुक जाइए, हमारा मकसद और रास्ता अब से एक है। आइए तशरीफ रखिए, रुक जाएं ताकि मजीद इकदामात के ऊपर बात की जा सके। इज्जत अफजाई का शुक्रिया उस्मान साहब। बैठ जाइए। शोधा में शामिल होना चाहता हूं। हुजूर, आप क्यों शहादत हासिल करना चाहते हैं? मैं अपने आका से मिलना चाहता हूं। मैं ऐसा चाहता हूं जय खुदाए, मैं उन्हें देखना चाहता हूं और उनके कदमों में रहना चाहता हूं। जय खुदाए, ये आज तुम्हारी है। मैंने अपने बाबा को खोया है आयगुल, उन्होंने मुझे अपना खैमा दिया और मैंने उन्हें मारने की कोशिश की और हम कई बार लड़ाई में आमने सामने भी आए, लेकिन जब मैं पहली बार कबीले आया तो उन्होंने मुझे अपना खैमा दिया। तो उन्होंने तुम पे भरोसा किया ना? उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैंने उन पर भरोसा किया। उनकी पैरवी भी की मैंने। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे भाई हैं, तुम
बोरान गोक्तुक होशाहीन हमारे कबीले के। हाँ हमें और मैं भी तो हूं यहां। अहमद भी तो है यहां। हाँ देखो, बामसी साहब ने अपने जैसा इस कबीले के लिए बेटा छोड़ा है, जैसा वो कहते थे। अब तुम हो बामसी साहब उस्मान साहब के लिए। हाँ, उन्होंने कहा कहा था। क्या बामसी साहब की तरह होना आसान है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो चरकोताई? उनकी तरह तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है और मजबूत भी हो उनकी तरह। और उनकी तरह बेचैन भी हो। और मैंने सुना है कि बमसी साहब तुम्हारी तरह सबको हंसाया करते थे। हाँ तो उस्मान साहब, आपको क्या लगता है कि तौगाय ने हमारे दरमियान वाहिदे को क्यों तोड़ा है? अगर उसका पहले की तरह कोई मकसद होता तो जिंदा ना छोड़ता मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तलवारें म्यान से बाहर आ चुके हैं। जब तक काफिरों के खून से रंगी नहीं जाती, ये वापस नहीं जाएंगी म्यान में। सुल्तान तक खबर पहुंचा दी है। मैं चाहता था कि वो भी ये बात जान लें कि मुआहिदा हमारी तरफ से नहीं बल्कि उनकी तरफ से टूटा है, और वो उसके मुताबिक कार्रवाई करें। काफिले पर जो हमला, उसमें सिर्फ तोगाय का हाथ नहीं था, निकोला के सिपाही भी शामिल। सियासत बढ़ती निकोला ने, ऐसा लगता है उसने तोगाय से दोस्ती को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया। हमारे खिलाफ जो उनका बोगस है उसने उन्हें मुत्तहिद किया, और अब हम उन्हें फिर से अलग करेंगे और उनके घिनौने इत्तेहाद को खत्म करके उनके सर कुचल दिए जाएंगे। लेकिन पहले तोगाय, पहले उससे हर चीज का हिसाब लूंगा। वो दो तलवारें इस्तेमाल करते थे, जब वो कहते थे तो हम अपनी तलवारें अपने हाथ में पकड़ लेते। खुद को अजियत दे रहे हो तुम चरकुताई। वो सिर्फ तुम्हारे ही बाबा नहीं थे, बमसी साहब सबके लिए बाप का दर्जा रखते थे। वो तमाम गाजियों के बाबा थे,
हम तमाम लोग तकलीफ में हैं। आओ अहमद बेटा, मुझे तलवार पकड़ाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? जहर कोता है, ये मेरे सरदार का हुक्म है। ये तलवारें आखिरी अजीम काई सिपाही की है जो हमारे अपाओ अजदाद से आया था। ये उनका वक्कार है, इसीलिए ये तलवारें बहुत अहम है। मैंने यहां से ले जाके सरदार के खैमे में रखूंगा। छोड़ दो इसे। जरकोताय, ठीक है ठीक है, रुको फिलहाल। जरकोताय को इनके साथ वक्त गुजारने दो, अलविदा कहने दो। लेकिन ये मुनासिब नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो, इन्हें खेमे में रखना होगा। तुम इसका क्या करोगे? जरकोताय, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। जरकोताय, क्या आप अपने सरदार उस्मान साहब की नाफरमानी करेंगे? हाँ? चलो। नहीं दूंगा। वामसी साहब ने ये तलवारें मुझे दी, तुम सब ये बात जानते हो। ये उनकी निशानी है, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे उस्मान साहब कहेंगे। लेकिन जरकोताय, अब अलविदा कह दो इन्हें। तुम्हें मालूम है ना कि ये उस्मान भाई का हुक्म है। चलो मेरे भाई, चलो। मेरे बहादुर बंसी साहब, हम ये फौलादी मजबूत तलवारें और बामसी साहब का तावीज, ये सब चीजें उसके पास जानी चाहिए जो इसका असल हकदार है, और वो कोई और नहीं सिर्फ जरकोताय है। हम चाहते थे कि अपने भाई को अपने हाथों से ये सब दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाई के लिए, आखिर आप लोगों ने चाल चल ही दी। हाँ, अगर बंसी साहब यहां होते तो बहुत हंसते। तुमने मेरे साथ चाल चली, बेवकूफ बनाया। हाँ हाँ, इधर आओ।